प्राथमिक स्कूलों में फर्जी व अनियमित शिक्षकों के भर्ती के संबंधित बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने परिषदीय स्कूलों में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति को गंभीरता दिखाते हुए फर्जी शिक्षकों को चिन्हित कर उनके द्वारा अर्जित किए हुए वेतन की रिकवरी करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि 5 मार्च 2020 को पहली फर्जी नियुक्ति का मुकदमा दर्ज किया गया था। अब तक 92 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। 84 के ऊपर मुकदमा जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज किया जा चुका है। इन 92 फर्जी नियुक्त शिक्षकों में 32 की जांच एसटीएफ को दिया गया था, जिसमें 6 गैर जनपद आगरा के फर्जी शिक्षक पाए गए थे, 24 गोरखपुर के फर्जी शिक्षक थे। एसटीएफ ने अपना जाँच का दायरा आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षक नियुक्त हुए शिक्षकों की जाँच शुरू कर दी थी। इन 92 शिक्षकों के अतिरिक्त एसटीएफ ने प्रदेश के अन्य जनपदों से 76 फर्जी शिक्षकों को उजागर करते हुए अपना रिपोर्ट प्रेषित किया। बैठक में एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह सहित समस्त खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। आपने पहले तो ये सारे अभिलेख अपलोड हो जाए, उसमें आप ऑनलाइन परीक्षण भी करिए, करके वो लगा के फर्जी प्रमाण पत्र तो देखते ही दिख जाता है ऑनलाइन जो इन्होंने अपलोड किया है। कुछ लोगों ने हिम्मत करके फर्जी भी अपलोड कर दिया होगा, देखते हैं आजमाते हैं कोई देखता है कि नहीं करके। तो देखे हैं खोल कर, क्या क्या मिला, सब सही है? इस लेवल का नहीं देखा गया ना, मतलब ये देखा गया उसने अपलोड कर दिया बस। कहता है कि 15-20 हजार लोग हाँ ये संस्कृत विद्यालय के संपूर्ण विद्यालय के कितने, ये भी देखो चेक कर लीजिए। पत्र जारी क्या यार, एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर हुई कि नहीं? एफआईआर है तो पत्र जारी कॉपी का सभी कठिन जगह ने एफआईआर जारी किया, कोई बचा तो नहीं किया? बाकी बात बॉडी का नाम बताइए। आपको 1.5 साल लग गया एक प्रतिनिधि में एफआईआर करने के लिए?